देश के अलग अलग हिस्सों से दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त भी देखिए, जम्मू, देहरादून, दुबई, कुरुक्षेत्र, मुंबई, दिल्ली, अबुधाबी, जयपुर, पटना, अमृतसर, लखनऊ, कराची की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रंगों का भी हमारे जीवन में बेहद अहम महत्व होता है, लेकिन कुछ तस्वीरें फिल्टर कैमरे से ली गई हैं, जबकि कुछ तस्वीरों में जो सूरज का रंग है उसने कुछ खुद में बदलाव लिया है, वो भी तस्वीरें हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। देश में 5 घंटे 49 मिनट का ये अद्भुत सूर्य ग्रहण अपने आप में अलौकिक ये नजारा जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 1:02 इस वक्त हो रहा है और 3:04 पर ये जो सूर्य ग्रहण है इसका समापन होगा। ज्योतिष इस सूर्य ग्रहण को अलग नजरिए से देख रहा है। देश के लिए कई चिंताओं की बात भी सामने आ रही है, जबकि खगोलीय घटना के तौर पर वैज्ञानिक इसे मानते हैं और उनका तर्क ज्योतिषीय तर्क से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इन सब के बीच ये अद्भुत अलौकिक तस्वीरें अपने आप में ये बताती हुई कि देखिए किस तरह से 500 सालों के बाद जब दुर्लभ संयोग बनता है तो समय सूरज किस आकार में सामने आता है, ये तस्वीरें आपके सामने है। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ आगे हम जानेंगे राशियों के हिसाब से वो किस तरह की टिप्पणी करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जो अलौकिक तस्वीरें सामने आ रही हैं इसके बारे में प्रेम कुमार शर्मा जी हमारे साथ, अजय भांबी जी भी जुड़े हुए हैं और श्रुति द्विवेदी भी जुड़ी हुई है। श्रुति, पहले आपका रुख करते हुए, ये जो अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग आकार सूर्य ग्रहण का, इस पर टिप्पणी आपकी और किन बातों से आगाह करती हुई आपकी रिसर्च है, आपका अध्ययन है सूर्य ग्रहण के मद्देनजर? श्रुति, सबसे पहले तो आज तक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये जो ग्रहण पड़ा है इस समय जो पड़ा है, बहुत खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। ध्यान देने लायक बात है कि इस ग्रहण के समय पर 7 ग्रह वक्री चल रहे हैं, राहु केतु तो वक्री चलते हैं, सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं चलते, एकमात्र मंगल है जो वक्री नहीं है, नहीं तो वीनस वक्री है ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए, जो है जुपिटर शनि वक्री है, साथ ही साथ बुध वक्री है और प्लूटो वक्री है। ग्रहण का ये जो पड़ा है ये बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहण है, क्योंकि इसके बाद अगला ग्रहण पड़ेगा 22 अक्टूबर 2022 में, सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें, जो कि इतना ही बड़ा जो भारत में देखने लायक होगा। फिलहाल जो अगला अक्टूबर में जो ग्रहण पड़ेगा वो इतना बड़ा नहीं होगा, उसकी उसकी जो नंबर ऑफ आवर्स है, जो स्प्रेड है, वो इतना बड़ा नहीं होगा। तो ये ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है कई मायनों। देश पर दो बड़े प्रभाव, श्रुति, इस सूर्य ग्रहण का दो बड़े प्रभाव, जो कंट्री का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, दोनों तरफ में प्रॉब्लम्स होंगी। सेना डिप्लॉयमेंट आफ्टर 18 जुलाई मेरा प्रेडिक्शन था, जो 18 जून जो था वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। 16 अगस्त के आसपास आप देखेंगे कि जितने पेंडेमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें आपको आराम मिलने लगेगा, ट्रायल्स के लिए वैक्सीन जाने लगेगी आफ्टर 3 अगस्त। बहुत शुक्रिया आपका श्रुति द्विवेदी हमसे जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी आज तक के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।